हेलो दोस्तों, आशा पेटकेयर में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली दो वीडियो में बता रहा था कि ग्रीन टेरर किस के बारे में, और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक समूह में कैसे चलते हैं। कि मैं तो आपको बता दूँ कि मैं उनको कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरीके से बर्ताव करती हैं अकबेरे में रह करके, कि आप कैसे रख सकते हैं इनको, इनको क्या क्या फीड देनी चाहिए, इनको किस हिसाब से देना चाहिए। एक प्रॉपर केयर वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी केयरिंग कैसे करनी चाहिए, इनको कैसा पानी चाहिए, इनको कितने दिन में पानी चेंज करना है, इनको क्या क्या मेडिसिन लगेंगी, इनको कितना टेम्परेचर लगेगा, इनको हीटर लगता है कि नहीं लगता है, इनको फिल्ट्रेशन कैसा चाहिए, और इनको सॉल्ट वगैरह कुछ, इनको मेडिसिन वगैरह कुछ लगेंगी कि नहीं लगेंगी। मैं आपको इसकी एक डेलिकेट वीडियो बिल्कुल सेपरेट करके बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं एक वीडियो बना दूँ पूरी लंबी जाएगी, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि ग्रीन टेरर फिश के की कैसे केयर करनी है, इनको क्या फूड देना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पिछली दो वीडियो में इनको ऑब्जर्व करा था कि ये पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये पानी की स्विमिंग क्या किस तरीके से तैरती हैं, और ये आप मैं दिखा रहा हूँ कि आपको कि एक समूह बना करके किस हिसाब से रहती हैं। देखिए, ये पानी के आगे भी स्विमिंग कर रही थी, अभी थोड़ा सा ये मैंने वाटर चेंज किया तो इस हिसाब से थोड़ा सी देरी हुई, तो ये एक समूह बना करके नीचे की तरफ है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, इनका कलर भी अभी तक बिल्कुल कुछ घबराने की वजह से डल भी नहीं हुआ। अगर ये ज़्यादा डर जाएंगी तो ये अपना कलर छोड़ देंगी, बिल्कुल ग्रे कलर की हो जाएंगी। इनको डर, ये घबराई भी नहीं है, ये बिल्कुल अभी बिल्कुल ठीक है, ये इनको कोई तकलीफ नहीं है, देख सकते हैं आप। एक झुंड बना करके इनको रहना बिल्कुल पसंद है। आप दो पीसेस ले सकते हैं, और आपने अगर आपके पास टू फीस का एक्वेरियम है तो आप टू पीसेस रख सकते हैं, ये आप फिलहाल ये अगर ये बेबी साइज़ हैं तो आप चार पीसेस रख सकते हैं। ये इनका साइज़ 8 से 12 इंच के हिसाब से बढ़ जाता है, और ये सॉल्ट वाटर फिश होती हैं, इनको इनकी केयर आपको बहुत अच्छे से करनी होती है।